फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कनिष्ठ सहायक LDC भर्ती जो थी वो अटक चुकी है, यहाँ पर अटकती हुई नजर आ रही है। RSMSS जो बोर्ड है उसकी लापरवाही यहाँ पर आपके सामने नजर आती हुई है। यहाँ पर एक न्यूज ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं दिखाने वाला हूँ LDC भर्ती जो है लटक चुकी है, और यहाँ पर कितने दिन तक लटक चुकी है वो मैं बताने वाला हूँ पूरा। यहाँ पर देखिए, रेलवे जो RSMSSB के LDC के छात्र जो थे, एक तो रिजल्ट जब RSMSSB का LDC का जब परीक्षा हुई थी उस टाइम जो है बोर्ड ने साफ साफ बोला था कि रिजल्ट जो है भर्ती जो परीक्षा होने के बाद तुरंत 1 महीने बाद घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट को जो है 1 महीने क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने बाद इसका जो है LDC का रिजल्ट जो है बोर्ड ने घोषित किया था। इतने 1 महीने का समय लेने के बावजूद भी यहाँ पर 5-6 महीने ज़्यादा लगा दिए बोर्ड ने। एक तो इस वजह से अभ्यर्थी परेशान थे और उनका जो यहाँ पर धरना दिया गया था, ठीक है, क्योंकि देखिए रिजल्ट जो आया था वो छात्रों द्वारा धरना देने के बाद ही रिजल्ट आया था, क्योंकि छात्र अगर धरना नहीं देते तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर रिजल्ट भी अभी नहीं घोषित किया जाता, क्योंकि ये जो RSMSS भी है बोर्ड की ये बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि उनका रिजल्ट जो है कब तक आएगा। और यहाँ पर हम ही बात करेंगे कि जो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, LDC के अभ्यर्थियों के लिए करीबन 3 गुने अभ्यर्थियों को जो है पास किया गया था वैकेंसी की, वो पूरा आपके सामने अपडेट में रखने वाला हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम RSMSSB की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो आपको पहुंचती रहे सबसे पहले और आपको सबसे पहले वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स उस नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है जो दैनिक भास्कर का है, LDC भर्ती में दूसरे चरण की टंकन और दक्षता परीक्षा के मानक तय नहीं। यहाँ पर जो है जो आपकी LDC परीक्षा हुई थी उसके बाद जो अभ्यर्थियों को 36,000 अभ्यर्थियों को जो है पहले चरण में उत्तीर्ण, 36,000 अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा चुनाव के बाद होने की संभावना, यानी कि जो LDC भर्ती परीक्षा है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर देखिए इतने समय बाद रिजल्ट जारी हुआ, फिर भी यहाँ पर उसका कोई भी जो आपकी दूसरी परीक्षा है दूसरे चरण की, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड जो CV टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसको लेकर कोई मानक तय नहीं है। तो यहाँ पर जो अपडेट दिया है वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या अपडेट दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये अपडेट पूरा पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या दिया, जिससे आप इस चीज़ को समझ आ जाए। और मैं इसी बीच फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि इस बारे में आपको जो LDC भर्ती है और बोर्ड है इसको लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय और क्या कमेंट्स हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन बोर्ड ने इस भर्ती की दूसरे चरण की प्रक्रिया परीक्षा को लेकर उलझन में है। दूसरे चरण की होने वाली दक्षता और टंकन परीक्षा के लिए मानक तय नहीं, इसके लिए RPSC और कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। ऐसे में लग रहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पहले चरण में पास अभ्यर्थियों के लिए इंतजार करना होगा। दूसरे चरण की परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होने के आसार हैं। पिछले दिनों बोर्ड ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए पदों की संख्या के अनुसार कैटेगरी वाइज 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई किया था, जो 36,000 अभ्यर्थियों से अधिक थे। यहाँ पर अभी इन अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की टंकन और दक्षता परीक्षा मानक तय नहीं है, मानक तय करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बोर्ड ने RPSC को और कार्मिक विभाग को पत्र लिखा। गौरतलब की बोर्ड के पिछले अगस्त से सितंबर में 12,456 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था, इसमें 8.10 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो बोर्ड का 7 मार्च LDC को इसका परिणाम जारी किया गया था। इसमें जो है पहले जारी परिणाम में कुछ सवालों में जो है आंसर बदल गए थे जो कंप्यूटर की अपडेट नहीं हो पाए थे। इसको दूर करते हुए चयन बोर्ड ने मंगलवार को इस भर्ती का रिवाइज परिणाम जारी किया था। इसमें पूर्व में अस्थायी रूप से
उत्तीर्ण किए 31 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है एक अपडेट है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी एल जाटावत साहब हैं चेयरमैन, उनका यहाँ पर क्या कहना है वो यहाँ पर दे दिया गया है। पहले चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टंकन और दक्षता परीक्षा के लिए मानक समय मानक तय करने की कवायद चल रही है। मानक तय करने के बाद ही दूसरे चरण की परीक्षा होगी। आरपीएससी के कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। कंप्यूटर अपडेशन की कुछ गलती रह गई थी, इसी कारण एलडीसी भर्ती का परिणाम रिवाइज किया गया। इसको बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया गया है। ये तो कहना है आरएसएमएसएसबी के चेयरमैन बी एल जाटावत साहब का। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस भर्ती को लेकर, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल इतना अपडेट था, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लाइए। फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।